नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी हेल्प टेक्स में। सीएससी हेल्प टेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमजी दिशा न्यू अपडेट के बारे में। अगर आप एक सीएससी वीली हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी जानते हैं पीएमजी दिशा स्टूडेंट फॉर्म के अंदर एक नया अपडेट आप सभी को देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कोविन नोटिफिकेशन फॉर्म। दोस्तों, ये फॉर्म क्या है, इसको क्या फिल करना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, इससे आपका पेमेंट होल्ड होगा या नहीं होगा, इन सभी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे व जानेंगे। तो वीडियो पे आप बने रहिए। उससे पहले दोस्तों, अगर आप सी एस सी हेल्प डेस्क चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारा वीडियो आप सभी दोस्तों को मिल सके। हम बात करते हैं पीएमजी दिशा नोटिफिकेशन कोविन के बारे में। अगर बात की जाए तो आपको अपना यहाँ पे आपको पीएमजी दिशा आईडी के अंदर की ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। आपको स्टूडेंट लॉगिन करना होगा, जो आपने स्टूडेंट ऐड किए हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टूडेंट डैशबोर्ड प्रोफाइल ट्रांजेक्शन के नीचे कोविन नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको मिलता है। ये क्या है ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसको समझने के लिए आपको कोविन नोटिफिकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोविन नोटिफिकेशन फॉर्म आपको स्टूडेंट का फिल करना होता है। ये ज़रूरी है और आपको सभी स्टूडेंट का करना अनिवार्य है। अगर नहीं करते तो आपका पेमेंट होल्ड हो सकता है। सीएससी कभी भी कोई भी अपडेट ला सकती है इसको फिल करने का, तो आपको ये फॉर्म फिल करना अनिवार्य है। तो कैसे इस फॉर्म को फिल करेंगे, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे हम एक नाम चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम नाम चूज़ कर लेते हैं राजकुमार। यहाँ पे एक स्टूडेंट हमने ऐड कर रखा है राजकुमार, इनका फॉर्म हम फिल करते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्टूडेंट का फॉर्म को फिल करने के लिए आपको पिन कोड फिल करना है। उसके बाद आपको वैक्सीनेशन टाइप चूज़ करना है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन स्टूडेंट ने लगवाई है। उसके बाद आपको डोज सिलेक्ट करना है कि स्टूडेंट को फर्स्ट डोज लगा है या सेकेंड डोज लगा है। उसके बाद आपको एज ग्रुप सिलेक्ट करना है कि स्टूडेंट 45 प्लस हैं या 18 से 45 के बीच में हैं। वो आपको यहाँ पे ये सारी डिटेल्स जो बेसिक दी हुई है, ये स्टूडेंट से आपको पूछ के फिल करनी है। उसके बाद आपको नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना है। ये फॉर्म आपको अनिवार्य रूप से फिल करना है, सभी स्टूडेंट का फिल करना है। क्योंकि ये चीज़ें आप फिल कर लेते हैं, उसके बाद नीचे जो सब्सक्राइब का ऑप्शन, उस पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका फॉर्म सेव सक्सेसफुल हो जाएगा। सेव सक्सेसफुल होने के बाद आप यहाँ से अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको अनसब्सक्राइब पे क्लिक नहीं करना है, इसको सब्सक्राइब ही रहने देना है। और इस तरीके से कोवैक्सीन नोटिफिकेशन फॉर्म को आप स्टूडेंट प्रोफाइल से फिल कर सकते हैं। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपका सीएससी अगर किसी प्रकार का कोई अपडेट निकालती है तो आपका पेमेंट होल्ड ना हो, और आपका पेमेंट पीएमजी दिशा में अगर आप काम करते हैं तो आपको सही तरीके से आपका पेमेंट मिल जाए। आशा करता हूँ इस फॉर्म को आप फिल करना सीख गए होंगे, और साथ में ये वीडियो, ये अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा।